नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त टीके देव। यहां पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही, 27 जून को विनियमन समीक्षा बैठक हुई है जिसमें लगभग 15 प्रकरणों को लिया गया है। वो 15 बिंदु क्या हैं, हम आपको विस्तार पूर्वक इस समाचार में बताएंगे। साथ ही जाने अनुदेशक शिक्षा मित्र मंदिर संबंधी किस पंथ पर बात हुई। आज की बड़ी अपडेट शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कृपा करें ताकि बात दूर तक जाए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद विनियमन समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27 जून 2023 को लिए जाने वाले प्रकरणों की सूची है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा विभाग और नंबर एक पर अलीगढ़ मंडल में दिनांक 31 मार्च 2018 को सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों का पेंशन निर्धारण कर उनके अन्य देयकों का भुगतान कराए जाने के संबंध में। दूसरा पॉइंट आप सभी से संबंधित है, यानी कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक और शिक्षकों से संबंधित जो कि वित्त विहीन शिक्षक हैं उनसे संबंधित है। दूसरे पॉइंट में लिखा है वित्त विहीन शिक्षकों, अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों को मानदेय एवं पारिश्रमिक दिलाए जाने के संबंध में। तो साथियों, ये बैठक 27/6/2023 को पूर्वाह्न 11 बजे से मुख्य भवन के प्रथम तल स्थित कक्ष संख्या 80 विधान भवन लखनऊ शाखा क्षेत्र बैठक हुई और इसमें विभिन्न शिक्षकों, अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों के मानदेय से संबंधित 2 नंबर पर बात रखी गई। यानी कि बहुत ही अच्छी बात है कि 2 नंबर पर इसको गहनतापूर्वक लिया गया है इस समस्या को। तो साथियों, आइए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विषयक एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में। चौथा पॉइंट है शिक्षकों के अवशेष वेतन का भुगतान किए जाने के संबंध में। पांचवें पॉइंट में लिखा है प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत LT संवर्ग से अधीनस्थ राजपत्रित पदों पर पदोन्नत किए जाने के संबंध में। छठे पॉइंट में गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, फैजाबाद, बद्दई, पाटन मंडलों के जनपदों में स्थित सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को लेखा पर्ची वित्तीय वर्ष की अंतिम दिनांक 31 तक ना उपलब्ध कराए जाने वाले जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में। सातवें पॉइंट में प्रत्येक जनपद में बिना मान्यता के माध्यमिक विद्यालयों के संचालित होने के संबंध में। आठवां पॉइंट, जनपद प्रयागराज स्थित मदरसों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अवरुद्ध वेतन का भुगतान किए जाने के संबंध में। साथियों, इसी प्रकार 10 से 15 जो अन्य प्रकरण हैं उनको भी गंभीरता पूर्वक लिया गया है और उनके समाधान के लिए निश्चित ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस बैठक में सम्मिलित माननीय सदस्य विधान परिषद श्री उमेश द्विवेदी जी ने बताया कि आज की बैठक के 15 बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई जिसकी आख्या तैयार कर जल्द ही शासन को प्रेषित की जाएगी। समिति की अगली बैठक 12 जुलाई को निर्धारित की गई है जिनमें अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। तो साथियों, देखा आपने इस बैठक में शिक्षा मित्र, अनुदेशक और वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय को लेकर गंभीरता पूर्वक चर्चा हुई है जिसका विलंब से सही लेकिन समाधान होना निश्चित है। ये थी साथियों खास खबर, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।